पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून भी बनाया है और ये कानून प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाले धांधली को रोकने के लिए बेहद ही मजबूत और सख्त माना जा रहा है। इस कानून में सजा और जुर्माना को भी काफी सख्त बनाया गया है ताकि धांधली पर रोक लग सके। क्या है कानून में खास बातें, हाईकोर्ट के वकील दीनू कुमार से जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। नीट परीक्षा में हंगामा देख रहे हैं और बिहार में लगातार जो है पेपर लीक पूरे देश भर में होता रहता है। ये नया कानून जो आया है लागू किया गया है वो क्या है और क्यों खास है? अभी भारत सरकार ने 21 जून 2024 को द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस एक्ट 2024 जो लाए हैं, इसमें जो एग्जामिनेशन में अनफेयरनेस पाए जाते हैं या प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में डिटेट एक्शन लेने का बात है, पनिशमेंट की बात है। जैसे कि जो आदमी इन्वॉल्व होंगे उनको 3 साल से 5 साल का सजा होगा, 5 लाख से 10 लाख का फाइन होगा और जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको 1 करोड़ तक फाइन होगा। सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब? जिस तरह से जो आज परीक्षा नहीं दे रहे हैं और दूसरा आदमी क्वेश्चन लिख करा रहा है, क्वेश्चन पढ़वा रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर में होगा इस तरह का, या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं उनका रोल देखा जाएगा, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनको 1 करोड़ तक होगा। ऐसे कभी कभी एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि कभी कभी सेंटर मैनेज होने की बात हो जाती है, कोई सेंटर को जो सेंटर जो परीक्षक है वही मैनेज होगा, क्या उन सारे लोगों पे 1 करोड़ का फाइन होगा? निश्चित रूप से फाइन होगा और सजा होगी उनको।